नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात मलिक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मैं वो यह है कि हमारे जनूबी पंजाब में यूट्यूब कम देखा जाता है, फेसबुक ज़्यादा देखा जाता है। तो मैंने जब गुस्सा बड़ा आता था कि जनाब पंजाब के लोग, पाकिस्तान के बाहर से लोग सारे यूट्यूब पर हैं, लेकिन हमारा जो इलाका है, हमारा जो वसेब है, वो सिर्फ फेसबुक पर है। और जनाब वो व्यूवर्स ही, उसी तहकीक की, थोड़े से लोगों से बातचीत की, तो फिर आइडिया मुझे भी हुआ कि यार फेसबुक के जो पैकेजेस होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, यूट्यूब के जो पैकेजेस हैं वो बहुत महंगे हैं। तो इसी वजह से और फिर वहाँ पे यूज़ होता है फेस यूट्यूब पे। तो क्योंकि ये मज़दूर इलाका तबका है, गरीब लोग जो है, अक्सर जो मज़दूर तबका लोग हैं वो इतना बड़ा पैकेज अफोर्ड नहीं कर। जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो यूट्यूब पे बहुत कम हैं, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा हैं, व्यूवरशिप फेसबुक पे ज़्यादा है। तो उसकी वजह यही नेट पैकेजेस हैं कि नेट पैकेजेस जो है गुरबत महंगाई की वजह से वो सब्सक्राइबर और जो है वो कम होते हैं, वॉच टाइम कम होता है, बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ख़रीद सकें, लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से सब्सक्राइबर ख़रीदें। या आप, मैं तो यहीं तवक्कु रखूँगी कि खुदारा हमारे इलाके, जो हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है, सरेकी वसेब इलाका है, इसमें वो महंगाई वाला जो बेरोज़गारी वाला वो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम कीजिए, यहाँ पे रोज़गार के मौके दीजिए, यहाँ पे खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। वो सिर्फ उनकी तरक्की खुशहाली नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की भी होगी, वसेब की होगी। जो एम पी एस एम एन एज़ हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो मुख्तलिफ़ खौ किसी पार्टी से हों, तो जनाब ख्याल कीजिएगा। आपके पास तो हमारे टैक्स के पैसे करोड़ों रुपये में तो आप बजट ले लेते हैं जनाब, स्कीमों के नाम पर, कागजी स्कीमों के नाम पे करोड़ों रुपए के आप बजट ले लेते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके बच्चे, आप अयाशियाँ कर रहे हैं, वोट डालती है अपनी खुशहाली के लिए, तरक्की करिए, गुरबत की ख़त्म करने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, रोज़गार के लिए, तो वो बेचारे वैसे ही रह जाते हैं। तो जनाब ख्वाब एक हसीन सब जो है वो उनके, जब ख्वाब टूटते हैं तो दिल टूटता है, जब दिल टूटता है तो फिर इंसान खुद टूट जाता है और मायूस हो जाता है। तो मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, मायूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी हया और शर्म होनी चाहिए जो वोट लेके ऐवान इख्तदार को जो है वो परेशानी में, गुरबत में, महंगाई में, बेरोज़गार की दलदल में धकेले जाते हैं। तो इसके साथ ही कायनात मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।